जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने कुछ घंटों के अंदर ही 5 आतंकियों को ढेर कर जवानों की शहादत का बदला ले लिया। अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ों में बुजदिल आतंकियों को सुरक्षा बल ने उनकी सही जगह पहुंचा दिया, जिसके लिए सुरक्षा बल की तरफ से ताबड़तोड़ अभियान चलाए गए। शोपियां में भी 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई। आतंकियों का सुराग मिलते ही जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद 5 आतंकियों को मार गिराया गया। सिविलियन मारे गए थे और उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को एग्रेसिवली लॉन्च करना शुरू कर दिए। राजौरी में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। वहां भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद उन्हें घेर लिया गया। इस समय आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है, ये आप देख सकते हैं। अभी काफिला गुजरा है जहां से डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज यहां पर निकले हैं। खबर है कि इन्हीं आतंकियों ने पुंछ में जवानों पर हमला किया था, लेकिन मौत को सामने देख वो जंगल के रास्ते राजौरी की तरफ भाग निकले। हालांकि सुरक्षा बल ने उन्हें वहां भी घेर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। उधर खबर है कि पाकिस्तान कश्मीर में बुरहान वानी वाला दौर वापस लाने का प्लान बना रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान बुरहान वानी वाला समय वापस लाने के लिए त्योहारों का वक्त चुन सकता है। खबर है कि वो धार्मिक स्थलों पर हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। पता चला है कि वो ईद से पहले बड़े हमले की साजिश रच रहा है। ये नहीं, पाकिस्तान की कोशिश है कि घाटी में फिर से पत्थरबाजी और प्रदर्शन हो। माना जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन करवाकर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया में कश्मीर पर झूठ फैलाने का मौका ढूंढ रहा है। सौबात की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बल के जवानों के साथ मुठभेड़ में बीते 24 घंटों में 7 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 5 अकेले शोपियां में हुई 2 मुठभेड़ों में ढेर हुए, और उन्हीं में मुख्तार शाह नाम का आतंकी भी था, जो एक हफ्ते पहले श्रीनगर में चाट बेचने वाले प्रवासी दुकानदार की हत्या करने का आरोपी था।